हेलो स्टूडेंट, हियर दिस इज अजय कुमार दुबे, फाउंडर ऑफ ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, आज की क्लास हमारे क्लास सिक्स के बच्चों के लिए है और इसमें मैं आपको पढ़ा रहा था कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। तो सभी लोग अपनी बुक ओपन कर लें और कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड में पहला टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके थे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फैट्स। तो फैट क्या होता है? फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। ये क्या होते हैं? एनर्जी प्रोवाइडर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। फैट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे कंटेन लेस ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट। द सेम अमाउंट ऑफ फैट्स गिव डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन रिलीज बाय द कार्बोहाइड्रेट। यानी फैट्स आर द मोर एनर्जी प्रोवाइडर इन कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। And we obtain the fats from the animal and plant both. From the animals, we obtain the butter, ghee, okay, oil, etc. From the plant, we use as a mustard oil, groundnut oil, linseed oil, coconut oil. These oils are what? Fats are obtained from the what? Plant. So fats are deposited in the muscles and under the outer skin of the animals. And this reserve fat act as energy bank of the animal. Any extra amount of fat are stored in our body in the muscles and during the, when we have required to energy, these fats are used by the body. तो fat के बारे में आपने क्या जाना कि animal से मिलता है और ये plant से मिलता है और ये हमारी body के muscles में stored रहता है, पहली बात। और अगली बात क्या है कि ये हमें animal और plant दोनों तरह के fat से हमें दोनों तरह के बॉडी से मिलता है। अगला क्या होता है? बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। जैसे क्या होता है, ये बिल्डिंग बनी हुई है ईंटों से, एक ईंट दूसरे ईंट पे रख के बनाते हैं, वैसे प्रोटीन क्या करती है? हमारे बॉडी की ग्रोथ में मदद करती है, ठीक है ना। एंड प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सब्सटेंस फॉर्म इन द सेल्स। देयर आर 14 to 15% ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इज प्रोटीन्स एंड प्रोटीन कंटेन द फोर एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये प्रोटीन फार्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। प्रोटीन कैन बी ग्रुप ऑन, कई तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं एज अ सोर्स। वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल एंड प्लांट बोन। एनिमल प्रोटीन के स्रोत बेस्ट कौन कौन से होते हैं? मिल्क, मीट, फिश, एग्स, ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। वेजिटेबल प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से होते हैं? पल्सेस, नट्स, बीन्स एंड सीरियल्स आर द सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल्स ऑफ द प्रोटीन, ठीक है ना। जितने भी पल्सेज होती हैं वो गुड सोर्स ऑफ क्या होती हैं? प्रोटीन होती है। अब जो भी ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, वीक एंड इंजर्ड पर्सन होते हैं, दे हैव रिक्वायर्ड द एक्स्ट्रा प्रोटीन इन देयर डाइट। नाउ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग टिश्यूज ऑफ द ऑर्गन। तो आज मैं सिर्फ प्रोटीन तक आपको वर्क करा रहा हूँ, एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन। विटामिन और मिनरल के बारे में एक बड़ा सा टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।